नमस्ते, मैं अनिमेश दासगुप्ता, मोटिवेशनल स्पीकर। आज बात करूंगा कि आपकी लाइफ में जो गोल है उस गोल को कैसे हासिल किया जाए। देखिए, वीडियो के साथ साथ मैं आज एक फ्रेमवर्क और वर्कशीट दूंगा, उसको भी आपको पूरा करना है। अगर वर्कशीट आप पूरा करेंगे तभी आपका जो लाइफ में गोल है उसको अचीव करने में वो हेल्प करेगा। नंबर वन, सेट योर गोल। देखिए, आप स्टूडेंट हो सकते हो, आप बिजनेसमैन हो सकते हो, पर्सनल लाइफ में या इंडिविजुअल लाइफ में आप जो भी गोल को, लक्ष्य को सेट करना चाहते हो, पहले उसको सेट करो। क्योंकि अगर गोल को सेट नहीं करोगे तो गोल के पीछे कैसे भागोगे। इसीलिए फ्रेमवर्क नंबर वन क्या कि सेट योर गोल। आपका गोल क्या है, आप स्टूडेंट होके किस मुकाम तक पहुंचना चाहते हो, आप बिजनेसमैन और सेल्समैन होके किस मुकाम तक खुद को देखना चाहते हो, आप पर्सनल लाइफ में, फिटनेस लाइफ में, हेल्दी लाइफ में, वेल्दी लाइफ में, फिनेंशियल लाइफ में या आपकी रिलेशनशिप लाइफ में आपका गोल क्या है, उसको पहले लिखो कि गोल क्या है। नंबर टू, चेंज योर फ्रेंड्स। मतलब क्या, आप अभी जो 5 पीपल के साथ, अराउंड योर 5 पीपल, जो आपका दोस्त है, जिसके साथ आप उठ रहे हो, बैठ रहे हो, किन लोगों के साथ आपका मुलाकात हो रहे हैं, किन लोगों के साथ आप लाइफ के बारे में चर्चा कर रहे हो, तो नंबर टू क्या है, उन लोगों के नाम लिखना पड़ेगा। आपका 5 और 10 पीपल भी हो सकते हैं, तो नंबर टू लिखो कि आपका अभी फ्रेंड्स, आपके अभी नियरेस्ट डियरेस्ट कौन सा लोग है, उसके बारे में नाम लिखो। 1 2 3 4 करके नंबर टू वर्कशीट जो है आपका फ्रेंड्स कौन है, प्रेजेंट फ्रेंड। अगर बिजनेसमैन हो, अगर पर्सनल लाइफ में बड़ा कुछ गोल तय कर चुके हो और उस गोल को हासिल करने आपका लक्ष्य है, तो क्या करना होगा, आपका जो दोस्त है, आपका जो नियरेस्ट और डियरेस्ट लोग है, उसको चेंज करना पड़ेगा। इसीलिए न्यू फ्रेंड्स चार्ट वर्कशीट पे लिखे हो, न्यू फ्रेंड्स नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 करके। देखिए, वो लोग आपके आसपास भी हो सकते हैं, वो लोग ऑनलाइन ऑफलाइन भी हो सकते हैं, वो लोग खुद सफल हो सकते हैं। उन लोगों के साथ आपको उठना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, नेट पे, ऑनलाइन पे फोकस देना पड़ेगा, उनको फॉलो करना पड़ेगा। इसीलिए न्यू फाइव फ्रेंड उस चार्ट में लिखो। नंबर 3 हो गया। अभी नंबर 4, द पावर ऑफ आवर। माई डियर फ्रेंड्स, हम लोग सुबह सुबह उठते हैं। जब हम सुबह सुबह उठते हैं तो 1 घंटा क्या करते हैं, देखिए अभी द पावर ऑफ आवर, मतलब सुबह की 1 घंटा आपको कुछ ऐसा करना होगा कि आपका गोल सक्सेस आपको दिलाए। क्या करना होगा, सुबह सुबह उठिए, उठ के आपको 20 मिनट मोटिवेशनल कोई किताब पढ़ना है, मोटिवेशनल कोई स्पीकर को सुनना है, मोटिवेशनल कोई ऑडियो सुनना है, या आपको एफर्मेशन बोलना है। तो इसके लिए क्या करना होगा, आप वर्कशीट नंबर 4 वहाँ पे लिखिए मॉर्निंग 5 से 6, 6 से 7 AM हो सकते हैं, इस 1 घंटे के बीच आप जब उठेंगे उसके बाद 1 घंटा क्या करेंगे। देखिए, 20 मिनट आप तय करिए खुद के लिए, उसको क्या कहते हैं, द पावर ऑफ आवर, मतलब 20 मिनट सुबह सुबह जब उठेंगे और लर्निंग पे फोकस करेंगे, तो लर्निंग आप जितना करेंगे, आपकी जो गोल, जिस मुकाम तक खुद को आप प्रतिष्ठित देखना चाहते हो, वहाँ पे पहुँचने के लिए वो आपको हेल्प करेगा। तो द पावर ऑफ आवर का पहला 20 मिनट पे आप लिखो, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, मतलब 1 से लेकर 30 डेज तक, पूरा महीना और 30 डेज से लेकर आप पूरे साल की एक कैलेंडर बनाओ, ये वर्कशीट पूरा करो। 20 मिनट आप क्या करेंगे, किन स्पीकरों को सुनेंगे, किन किताबों को पढ़ेंगे, कौन सा ऑडियो सुनेंगे। देखिए, 20 मिनट सुबह सुबह जब आप लर्निंग लेंगे तो आप चार्ज हो जाएंगे, मोटिवेटेड हो जाएंगे। उसके बाद 20 मिनट क्या करना है, आपको मेडिटेशन और एक्सरसाइज करना है। देखिए, अब जितना सुबह सुबह क्या होता है, हमारे बीच में जो लाइफ होता है ना, वो सुबह सुबह अगर आप आलस्य में, अगर बेड पे लेटे रहेंगे, अगर सुबह सुबह आप चार्ज नहीं होंगे, तो आपका जो दिन का चर्या है, मतलब क्या, अब सुबह सुबह अगर आप आलस्य में पूरा दिन का पहला शुरुआती आप आलस्य में बिता देंगे, तो आप पूरे एनर्जी वो डाउन हो जाएगा और पूरे दिन का जो आपकी काम है वो डाउन हो जाएगा और आलस्य आपको पूरी आपकी जिंदगी को दखल ले लेगा। इसलिए जो सफल लोग हैं दुनिया की, सारे लोग सुबह सुबह पहले उठ के चार्ज हो जाता है, काम पे लग जाता है। देखिए, जब आप सुबह सुबह काम शुरू कर देंगे, सुबह सुबह फास्ट चलेंगे, तो आपका दिन भी सुबह सुबह से लेकर पूरे दिन तक फास्ट चलेगा और आपके बीच लेजीनेस और आलस्य नहीं आएगा। इसीलिए नंबर 2 कि आपका नेक्स्ट 20 मिनट आप क्या करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, मॉर्निंग वॉक करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, या आपका जो छोटे छोटे काम है उसको शुरू कर देंगे। तो 20-20-40 मिनट हो गया। उसके बाद 20 मिनट क्या है, देखिए, उसके बाद 20 मिनट यही है कि आपको छोटे छोटे
गोल को पहले पूरा करना है। छोटे छोटे गोल क्या है, देखिए आपका जो मार्केटिंग है, शॉपिंग है, आपके रिलेशनशिप के साथ बातें करना है, आपका मनी मैनेजमेंट है, आपका अकाउंट्स क्लियर करना है, आपका किसी को पेमेंट देना है, ये 20 मिनट किन किन छोटे छोटे काम मैं आज सुबह करूंगा उसका कैलेंडर भी निकाल लेना है। तो वर्कशीट पूरा करिए कि नेक्स्ट 20 मिनट आप क्या करेंगे। देखिए छोटे छोटे काम जो है वही हमें तकलीफ देता है। उसके बाद जब पूरे 1 आवर मतलब दी पावर ऑफ आवर कंप्लीट हो जाएगा तो आपकी जिंदगी में फेवरेबल जो काम है, गोल अचीव करने के लिए जो आपके पक्ष में काम है, जो गोल के अराउंड काम है, उसको करना है। देखिए इफ यू वांट टू बिकम सक्सेसफुल यू हैव नॉट टू डू एवरीथिंग, इफ यू वांट टू बिकम अनसक्सेसफुल डू एवरीथिंग, मतलब अगर सफल होना चाहते हैं तो सारे काम को आप नहीं करेंगे, जो छोटे छोटे काम है वो आउटसोर्स कर दीजिए, फैमिली मेंबर्स को, आपकी नियरेस्ट डियरेस्ट को छोटे छोटे काम दे दीजिए और आपका जो बड़ा गोल है, जो बड़ा लक्ष्य है, उसके पीछे खुद को भागिए, उसके पीछे आपको भागना है। अगर छोटे छोटे काम करेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इफ यू वांट टू बिकम सक्सेसफुल डू समथिंग, मतलब अगर आप सफल होना चाहते हैं तो कुछ काम करना होगा, सारे काम अगर आप करेंगे तो आपका गोल अचीव नहीं होगा। तो मैंने जो वर्कशीट दिया, पहला नंबर 1 गोल सेट करिए, नंबर 2 अभी का जो फ्रेंड्स है उसका नाम लिखिए, नंबर 3 प्रेजेंट फ्रेंड्स को बद दीजिए मतलब वो हटा दीजिए और नए फ्रेंड्स को जुड़िए, नंबर 4 द पावर ऑफ आवर मतलब सुबह सुबह 1 घंटा क्या करेंगे। देखिए एक करते ही आपका जो गोल है उसको अचीव करने के लिए आपका प्रोडक्टिविटी, आपका फोकस, आपकी कॉन्सेंट्रेशन और ग्रो हो जाएगा। अभी इसी चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को हिट कीजिए और वर्कशीट को पूरा कीजिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।